एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी वाइब्स। मैं हूं पल्लवी शर्मा और आपका स्वागत करती हूं अपने चैनल ब्यूटी वाइब्स में। गाइज, मैं डेली आप लोगों से हेल्थ रिलेटेड टिप्स और आपकी ब्यूटी को एनहांस करने के लिए बहुत सारे टिप्स शेयर करते रहती हूं। तो अगर आपको भी ऐसे टिप्स चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और मैं आपके साथ ऐसी बहुत सारे टिप्स शेयर करती रहूँगी जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल भी हो और आपको बहुत ज़्यादा काम भी आए। सो गाइज, जो मैं आज टिप आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो टिप ये है कि कुछ ऐसे टीनेजर्स हैं या फिर सभी ऐसे टीनेजर्स हैं जो इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। गाइज, जो प्रॉब्लम है हमारी एक्ने की प्रॉब्लम। आप सब लोग जानते हैं कि हमें कितने ज़्यादा पिंपल्स हो जाते हैं हमारे टीन एज में। जब हम 17 ईयर्स के होते हैं, हम 18 ईयर्स के होते हैं, तब हमें क्या होती है, बहुत ज़्यादा पिंपल्स की प्रॉब्लम होती है। तो उस प्रॉब्लम को हम कैसे दूर कर सकते हैं, किस तरीके से हम क्या क्या प्रिकॉशंस बरत सकते हैं जिससे क्या होगी, हमारी पिंपल्स की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी और हमें इस एज में जो पिंपल्स हैं वो कम होंगे, या तो फिर उनकी क्वांटिटी कम हो जाएगी या तो फिर वो होंगे ही नहीं आपको। सो आपको कुछ ऐसी टिप्स मैं देने वाली हूँ जो आप फॉलो करेंगे तो आपकी वो पिंपल्स की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। खासकर वीडियो उन टीनेजर्स के लिए है जिनको वो वाले पिंपल्स होते हैं, जो पस वाले पिंपल्स होते हैं ना, वो वाले पिंपल्स को दूर करने के लिए। सो गाइस, आपकी टिप नंबर 1 ये है कि आपको क्या करना है, यू हैव टू ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर। ठीक है, आपको 8 से 9 लीटर पानी पीना ही पीना है, अपनी डेली रूटीन में शामिल कर लीजिए। आप बहुत सारा पानी पीना आपको इस एज में ऐसे भी पीना है, इस एज में भी पीना है, क्योंकि क्या होता है कि जब हमारा हार्मोनल चेंज हो रहा होता है तो हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण क्या होता है, हमारी बॉडी में काफ़ी डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे वो पुवर्टी को लेकर हो, जैसे वो मेंस्ट्रुएशन को लेकर हो, या किसी भी बात को लेकर क्या होता है, हमारी जो बॉडी है वो डिहाइड्रेट होना स्टार्ट हो जाती है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, वी हैव टू ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर। द मेन टिप इज़ दैट, ओके, कि हमें बहुत सारा पानी पीना है, 8 से 9 लीटर पानी पीना है, जिससे क्या होगी, हमारी जो पिंपल्स की प्रॉब्लम है वो दूर होगी, एटलीस्ट हमारी जो स्किन है उस पर ऑयलनेस नहीं बनी रहेगी। ओके, सो गाइस, टिप नंबर 2 ये है कि आपको क्या करना है, आपको एक अच्छा फेस वॉश यूज़ करना है अपनी डेली रूटीन में, मॉर्निंग में या नाइट में। आप ऐसा फेस वॉश सेलेक्ट कर लीजिए जो आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा शूट करता हो। पहले आप उसे 1 से 2 बार ट्राई कर लीजिए। अगर आपको पिंपल आते हैं तो आप उसे बिल्कुल नहीं ट्राई कीजिए अपनी स्किन पर। और डेली आपने क्या करना है, फेस वॉश से फेस वॉश करना है। आपको मॉर्निंग में नेचुरल फेस वॉश यूज़ करना है, एंड आपको शाम के टाइम पे आप कोई भी फेस वॉश यूज़ कर सकते हो। नेचुरल फेस वॉशेस मैं आपको बता चुकी हूँ, आप मेरी वीडियोज़ में देख लीजिए कि मैं कौन से नेचुरल फेस वॉशेस की बात कर रही हूँ। और गाइज, और आपको क्या करना है, गाइज नेक्स्ट टिप आपकी ये है कि यू हैव टू स्प्रिंकल लॉट्स ऑफ वाटर ऑन योर फेस। ठीक है, जब समर आता है तो हमें ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है पिंपल्स की। तो आपको क्या करना है, आपको अपने फेस पे क्या करते रहना है, रोज़ वाटर स्प्रे करते रहना है। व्हेन एवर योर फेस इज़ ड्राई, जब आप भी घर में हैं या फिर आप ऑफिस नहीं गए हैं, आप कॉलेज स्कूल नहीं गए हैं, जब आप घर में हैं, आपको आपका फेस क्या हो रहा है, ड्राई फील हो रहा है, तो आपको क्या करना है, बस यू हैव टू स्प्रिंकल ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन योर फेस। ठीक है, आप चाहे रोज़ वाटर यूज़ कर लीजिए, यू मे यूज़ द अदर वाटर, यू मे यूज़ डिस्टिल्ड वाटर, कोई भी वाटर यूज़ कर लीजिए, बट आपको क्या करते रहना है, अपने फेस को स्प्रे करते रहना है, जिससे हमारे जो पोर्स हैं वो क्लीन रहेंगे और पोर्स क्लॉग्ड भी नहीं होंगे। ओके गाइस, नेक्स्ट स्टेप ये था कि आपको CTM रूटीन ज़रूर फॉलो करनी है। CTM रूटीन्स भी आपको मेरी वीडियोस में मिल जाएगी, मैं डिस्क्रिप्शन लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। ठीक है, कि कौन सी CTM रूटीन आपको फॉलो करनी है जिससे आपकी स्किन के एक्ने पिंपल्स स्कार्स की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। गाइस, आपको एक अच्छा फेस वॉश करना है अपनी स्किन के लिए सिलेक्ट, साथ में आपको एक टोनर अच्छा सिलेक्ट करना है, साथ में आपको एक मॉइस्चराइजर सिलेक्ट करना है। बाकी आप देखना चाहते हैं तो मेरी वीडियोज़ में आप देख सकते हैं CTM रूटीन के बारे में। सो ये थी गाइस कुछ ऐसी टिप्स। अगर आपको फिर ज़्यादा ही पिंपल्स हो रहे हैं, इन सब चीज़ों को फॉलो करने से भी आपकी पिंपल की जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म नहीं हो रही है, तो आपको लास्ट टोन मैं बता देती हूँ आपको क्या करना है। आपको ले लेना है लौंग, एंड लौंग में आपको पानी में डाल लेना है, एंड उस लौंग को आपको बॉयल करने के बाद अपने फेस पर क्या करनी है, टोनिंग करनी है, जिससे आपका फेस बिल्कुल क्लीन होगा। जो भी एक्ने या पस वाले पिंपल हो रहे होंगे वो काफ़ी अच्छे से दूर हो जाएंगे। गाइस, ट्रस्ट मी, ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। मैं ज़रूर इस टोनर को आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, बहुत जल्दी शेयर करूँगी। सो ये थी ऐसी कुछ वीडियोस जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है, आपके पिंपल्स को दूर कर सकती है, साथ में जो पिंपल्स हैं उनके स्कार रह गए हैं उसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी बहुत सारी क्रीम्स शेयर की हुई हैं, नेचुरल क्रीम्स हैं, आप उन्हें अप्लाई कर सकते हैं और अपनी स्किन पे बहुत अच्छे रिजल्ट्स पा सकते हैं, आप ग्लोइंग स्किन पा सकते हो। सो आई होप गाइस आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं बहुत सारे टिप्स ऐसे आपके साथ शेयर करती रहती हूँ जिससे आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फर्क पड़े और आपकी जो स्किन है बहुत ग्लोइंग हो जाए, आपका हेल्थ बिल्कुल अच्छा हो जाए। सो बाय गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे।